हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक बच्चों हम बेसिक्स कर रहे थे, और इसमें हमने दो इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी हैं अभी तक। वो क्या सीखी हैं, क्या कोई याद कर पा रहा है कि हमने अभी तक क्या किया है इसमें। तो इसमें अभी तक हमने जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, उनको मापने के तरीके सीखे हैं, और किस किस टर्म्स में उनको माप सकते हैं हम, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में। तो इसके आधार पे क्वेश्चंस भी किए हैं हमने। अब हम बेसिक चीजें कर रहे हैं, एक बारी जो पिछली क्लासेज में हमने किए थे उनको रिवाइज कर रहे हैं, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो चैप्टर आपका चल रहा है त्रिकोण मितीय, फलन, त्रिकोणमितीय फलन, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या चीज रिवाइज की थी। हमने अभी तक इसमें सीखा है कि जो बेसिक इसकी चीजें होती हैं, एक त्रिभुज होता है, ठीक है, ए बी सी इसको हम बोल सकते हैं, जो कि बी पे समकोण है, और ए यहाँ पे एंगल है, ए कोण है। तो जो ये कोण है, इसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो ये इसके साथ वाली संलग्न भुजा है उसको आधार बोलते हैं, यानी कि बेस, और इसको जो 90 डिग्री एंगल वाली भुजा के अपोजिट है, एंगल के अपोजिट भुजा है, उसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूज। ये चीज अभी तक आपको पता लग चुकी है। और हमने एक जो इसका इम्पोर्टेंट मंत्र था वो हमने सीखा है अभी तक। क्या मंत्र था, क्या किसी को याद आ रहा है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो ये बेसिक हमारे पास एक इसका मंत्र है। तो ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है, देखिए, P4 ये रहेगा परपेंडिकुलर ही, यानी लंब रहेगा, और B4 बेस यानी आधार, और H4 हाइपोटेन्यूज। तो रिप्रेजेंट ये इन तीनों चीजों को करेगा, तीनों भुजाओं को करेगा। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब एक चीज और हमने की थी कि जो ये थीटा है, इस ये डिसाइड करता है कि एक त्रिभुज में लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। अगर थीटा यहाँ पे होता तो लंब कौन सा हो जाता, ए बी हो जाता है, और आधार बी सी हो जाता। इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। अब देखिए कि जो ये मंत्र है ये कैसे हमें हेल्प करता है। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम साइन थीटा की वैल्यू देखिए, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, इस तरह से आप कर सकते हैं नंबरिंग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और फिर टेन थीटा, फिर टेन थीटा। ये तीनों चीज हम इस ऑर्डर में लिखेंगे, तीनों आपके फंक्शंस जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये हम इस ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। और इसी ऑर्डर में आप यहाँ पे भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये साइन हो गया जो पहले दो बॉक्स में आएगा, फिर कॉस हो गया, और फिर टेन हो गया। इस तरह से आप लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की अगर वैल्यू पूछी जाए तो उसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, पी बटे एच। तो आप देख पा रहे होंगे जो पहले बॉक्स में है, पी ये हो गया और एच ये हो गया, तो एज इट इज उठा के मैंने रख दिया, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। इसी तरह कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस यहाँ पे है तो बी बटे एच आता है सेकंड वाले में, और तीसरे में क्या आता है, टेन थीटा पी बटे बी आता है, तो यहाँ पे पी बटे बी आप लिख सकते हैं।
तो ये वैल्यू होगी, देखिए डायरेक्टली जो हमने टेबल बनाया था, और टेबल को याद करने के आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये टेबल अगर याद कर लिया तो आप उससे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ आप इन्हीं की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसके अलावा भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोसेक थीटा निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कोसेक थीटा क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कोसेक थीटा को हम एक बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक बटे साइन थीटा इसको लिख सकते हैं। और देखिए एक बटे साइन थीटा का मतलब क्या है, जो साइन थीटा है, ठीक है, एक बटे हम साइन थीटा की जगह जो आता है वो लिख देंगे पी बटे एच, यानी कि ये इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बटे पी हो जाएगा। तो देखिए हम यहां से भी, इस टेबल से भी निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा हम यहाँ पे लिख दें तो कोसेक थीटा में एच ऊपर आएगा, पी नीचे आएगा, उल्टा होगा। फिर उसके बाद सेक थीटा यहां से निकाल सकते हैं और कोट थीटा यहां से निकाल सकते हैं। तो अब बताइए मुझे कि सेक थीटा क्या हो जाएगा। सेक थीटा हम लिखेंगे तो देखिए एच ऊपर लिखेंगे, बी नीचे लिखेंगे इसमें, तो एच बटे बी। और ऐसे भी कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर है एक बटे कोस थीटा, और कोस थीटा में जो रेशियोज हैं वो उल्टे हो जाएंगे सेक थीटा में। अब इसी तरह कोट थीटा हम करेंगे, कोट थीटा क्या होता है, एक बटे टेन थीटा यानी बी बटे पी। हमने ये पी बटे बी है इसका उल्टा कर दिया कोट थीटा में बी बटे पी, क्योंकि कोट थीटा होता है एक बटे टेन थीटा, या फिर टेन थीटा होता है एक बटे कोट थीटा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको जो पता होना चाहिए वो कि टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख देते हैं। अब यहां से भी अगर साइन थीटा और कोस थीटा के रेशियो आप लिखेंगे, ये साइन थीटा के रेशियो हो गए पी बटे एच, और कोस थीटा के बी बटे एच, यहां से भी आप करेंगे तो भी टेन थीटा की वही वैल्यू आएगी रेशियोज की, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोट थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, ये कोस थीटा बटे साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ आपने फॉर्मूले सीखे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें, अच्छे से आप देख लें कि किस प्रकार के ये फॉर्मूले हैं, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू। अब करेंगे बच्चों हम फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले भी आपने किए हैं पिछली क्लासेज में, वही फॉर्मूले हम एक बारी रिवाइज करने जा रहे हैं। इनको आप त्रिकोणमितीय सरल समीका के नाम से भी जानते हैं, क्या बोल सकते हैं, त्रिकोणमितीय सर समीका। आपने याद करने की कोशिश भी की होगी पिछली क्लासेस में, और जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी या कोई ट्रिक यूज की होगी तो ये सर्व समीकाएं आपको याद भी हो गई होंगी। तो सबसे पहले जो सर्व समीका सबको याद होगी वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है एक के बराबर, इक्वल टू वन, वन के बराबर होता है, ठीक है, ये तो आप सबको याद होगी। अब इसी से दो फॉर्मूले और आप बना सकते हैं, कैसे, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे हुआ, मैं कोस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले गया इक्वल टू के और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा तो हमने निकाल लिया, अब हमें अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा को मैं यहां रख देता हूं, दूसरी तरफ क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गई सर्व समीका, और क्या हो जाती है,
एक सर्वसमिका की हम यहाँ पे बात करेंगे। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी आपने काफी सारे बच्चों को याद होगी ये चीज भी। ठीक है, इससे भी हम दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? तो देखिए, अगर हमें sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम tan स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर अगर हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आ जाती है। एक और फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इससे भी आप दो फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और या फिर आपको cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनको बच्चों 1 के 1 के सूत्र भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये सभी फॉर्मूले हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जो पहले वाला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो हर एक बच्चे को याद होगा, ये हर किसी को याद होगा। अब एक तो इनको याद करने का तरीका जो सेकंड और थर्ड है वो थोड़े से टफ रहते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है। तो इनको याद करने का एक तो तरीका है कि इन पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो और आपके दिमाग में बैठ जाते हैं फॉर्मूले, बात खत्म। या फिर आप कोई ट्रिक यूज कर सकते हैं, तरीका यूज कर सकते हैं जिससे आपको याद रहे। तो मैं आपको देखिए एक ट्रिक यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये दोनों फॉर्मूले नीचे वाले सेकंड और थर्ड याद रह जाए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि हमेशा टेन और कोट घटते हैं। क्या घटते हैं? टेन और कोट, टेन और कोट घटते हैं। ये याद रखेंगे आप कि हमेशा टेन और कोट घटते हैं। कैसे? देखिए इस फॉर्मूले में देखिए टेन स्क्वायर थीटा घट रहा है किसी से। अभी ध्यान नहीं देना कि किस में से क्या घट रहा है, सिर्फ ये देखना है कि टेन थीटा घट रहा है यहाँ पे और यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा घट रहा है। तो वही मैंने बोला टेन और कोट घटते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये है कि सी से सी घटेगा। क्या बोला मैंने? सी से सी घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे सी फॉर कॉसेक सी फॉर कोट, ठीक है, तो सी से सी घटेगा, ये चीज ध्यान रखना है। तीन ही सूत्र होते हैं, उसमें मैंने बोल दिया कि टेन और कोट हमेशा घटते हैं, मतलब टेन और कोट माइनस होंगे बाद में आएंगे, और दूसरा सी से सी घटेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब पहले फॉर्मूले में क्या आ गया आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा यूज हो गया। अब क्या बचा? अब दूसरे फॉर्मूले में एक तीसरा पहले कर लेते हैं। मैंने बोला सी से सी घटेगा, तो सी फॉर क्या बच गया? कोसेक एंड कोट बच गया है, और मैंने बोला था कोट और टेन हमेशा घटते हैं, यानी कोट तो घटेगा, तो किस में से घटेगा? सी से सी घटेगा, यानी कोसेक से कोट घटेगा। इस तरह से आप ट्रिक यूज करके याद रख सकते हैं। तो ये एक तरह की ट्रिक हो गई जिसकी मदद से आप इनको सूत्र को याद रख पाएंगे। तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप अपने जो आपको इजी तरीका लगे उस तरीके से आप सब याद कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, ये जस्ट एक हेल्प के लिए मैंने बताया कि आपको किस तरह से आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। इनको आप नोट डाउन करें।
अब देखिए एक चीज जरूरी चीज है आपके सामने यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे। तो एक ग्राफ है उसकी एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबने देखा होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ बनाते टाइम सबने ये चीज देखी होगी। तो क्या होता है इसमें, इसमें देखिए ये होता है एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स डैश भी बोल सकते हैं, ये हो गया वाई, और ये वाई डैश भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूं, एक वृत्त बना देता हूं, एक यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉपर हम सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल हम यहाँ पे बना देते हैं। तो देखिए कि इसके चार क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं, एक सर्कल है इसके चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। चार क्वाड्रेंट यानी क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट को हम हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि पहला क्वाड्रेंट यहाँ पे होता है, ये होता है 0 से 90 डिग्री, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री आता है, मतलब आप यहां से कोई भी एंगल बनाना शुरू करेंगे तो यहां तक कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। फिर 90 से 180 आता है यहाँ पे, ये भी आपको पता है भाई कि जो दूसरा क्वाड्रेंट है वो 90 से 180, मतलब कोई भी एंगल यहां से यहां तक जाएगा तो 180 डिग्री का बनेगा, मतलब 0 से पूरा स्टार्ट करेंगे तो वो 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है एंगल, सबको पता है। और ये 270 डिग्री पे आता है, कितने पे आता है, 270 डिग्री पे आता है। फिर इसके बाद ये कंप्लीट होके यहाँ पे 360 आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये क्वाड्रेंट होते हैं। अब देखिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो पहला क्वाड्रेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम प्रथम तो प्रथम चतुर्थांश बोल सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको हम बोलेंगे। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट हम बोल सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, क्या बोलेंगे, ऑल साइन पॉजिटिव होते हैं इसमें। साइन क्या हो गए, या फंक्शंस आप बोल सकते हैं, ये सब पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं। अब सभी पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब होते हैं, ये सब फंक्शंस होते हैं जो कि पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जब सेकंड क्वाड्रेंट की यहाँ पे अगर बात होगी तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट आप सब देख पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे साइन और कोसेक, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी फंक्शन है वो माइनस में होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे ये चीजें आप ध्यान रखें कि साइन और कोसेक ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी
बाकी जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट आता है, तीसरा चतुर्थांश आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप ध्यान देंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होंगे। तो क्या बताया मैंने, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि चारों क्वाड्रेंट में से किस में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। अब इसी के आधार पे, इन्हीं के आधार पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें एक चीज और जरूरी जो आपको याद रखनी है वो ये है कि देखिए, जीरो और 180, जीरो और 180 में नो चेंज, जीरो और 180 में नो चेंज। यहीं पे अगर हम बात करें 90 और 270 की, 90 और 270 की, तो इसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे साइन है, अगर कोई फंक्शन साइन है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन हो जाएगा कोस में, ठीक है। अगर कोस है तो वो हो जाएगा साइन में चेंज। इसी तरह अगर सेक है कहीं पे तो सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। इसी तरह टेन है तो टेन चेंज हो जाएगा कोट में, और कोट चेंज हो जाएगा टेन में। किस केस में, अगर 90 और 270 हैं तो कहीं पे 90 और 270 आ रहा है तो ये चेंज होंगे, नहीं तो ये नहीं होंगे चेंज, जीरो और 180 में चेंज नहीं होंगे। तो इनको हम अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद पहले दूसरे तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में क्या क्या हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हम निकाल के देखेंगे। तो तब तक के लिए जो हमने यहाँ पे किए हैं कि कौन से चेंज होंगे कौन से नहीं होंगे और चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो चीज आप ध्यान से एक बारी पढ़ें। तो बच्चों आज जो भी हमने किए हैं, जो भी टॉपिक किया है हमने, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।